भाई यूपीआई पेमेंट करी थी, मेरे अकाउंट में से तो पैसे कट गए लेकिन सामने वालों के पास पहुंचे नहीं, अब क्या करूं? भाई मेरी तो यूपीआई पेमेंट प्रोसेसिंग भी अटक गई। भाई मेरा तो यूपीआई पिन ही ब्लॉक हो गया। ये यूपीआई प्रॉब्लम्स काफी कॉमन है और आपके साथ भी हो सकती है, बट आपको करना क्या है? सबसे पहले तो अगर आप गूगल पे से कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो यहीं पर ही आपका गेट हेल्प का ऑप्शन आ जाता है, जहां पर जाके आप अपनी प्रीवियस 30 ट्रांजैक्शंस को लाइव ट्रैक करके देख सकते हो एंड यहीं से आप एक कंप्लेंट रेज कर सकते हो। बट एक और गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है npci.org.in, जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको सबसे ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद गेट इन टच पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यूपीआई कंप्लेंट्स पर जाना है एंड यहां पर आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का फॉर्म खुल चुका है। यहां पर आप अपनी टाइप ऑफ कंप्लेंट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम हुई या पिन प्रॉब्लम हुई या फिर आपके यूपीआई अकाउंट में इशू आ रहा है, सारी वो प्रॉब्लम जो यूपीआई एग्जिस्ट करती है उसका सॉल्यूशन इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको फॉर्म भरना है विद ऑल द करेक्ट डिटेल्स एंड इसको सबमिट कर देना है एंड विद इन 24 to 48 hours आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे अगर आप नहीं चाहते कि आपके फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो तो ये वाली लिंक के साथ शेयर कर दो और कैशबैक एक बाइट को सब्सक्राइब कर लो।